धन वाहिगुरु साहिब जियो जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल नानक हर गुण गाइले छाड़ सकल जंजाल जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल नानक हर गुण गाइले छाड़ सकल जंजाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां ने अमृत बाणी विच मनुखी जीवन का मकसद बयान किया। संसार विच बंदे दे आउण दा कारण की है, किस मकसद वास्ते आए। बहुत बारी बचन पढ़ते हो, आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे अन लालच, बिरथा जन्म पराणी। जा ये भी अमृत बचन सतगुरु की मेहर नाल मिल जाते ने, सहब आखते ने प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा किटक फकड़े सब मुकदी चली रहन। दुनिया विच लाहा लैण वास्ते आया है ते अपनी जिंदगी दे मकसद नूं समझो। भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाह। मनुखा जामे का सब तो वड्डा लाहा है किते रब्बी गुण गा के असी अपने अंदर वसते रब नूं पहचान सकीए, उहदे नाल मिल जाइए, उहदा रूप बन जाइए। इह सतगुरां बयान कीता। पर मनुख दा सुभाव माया तो बहुत प्रभावित है। जो संसार विच प्रवेश करदा है अपनी जिंदगी दे मकसद नूं भुल जांदा है, होर ही कई कम्मां विच उलझ जांदा है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी एक बड़ी प्यारी विचार बख्शिश करदे ने। अज ये आम जी गल है साडी जिंदगी दी, जिहड़ी चीज़ बहुत सीमा विच होवे, थोड़ी जिही होवे, कि उन्हों किसी शर्त ते आपां दुबारे भी ना प्राप्त कर सकते होइए, फिर कोई ढंग है भी उन्हों संभल के वरतीए, उन्हों वरतीए इस ढंग नाल भई बहुती जिंदगी दे मकसद विच कम आ सके, बेकार ना जाए। तो साहब ने फिर कृपा की भई ऐ भलिओ पुरखो, जिंदगी बहुत छोटी है, बड़ी सीमा विच है, इनू जंजाल विच ना ला। जो उपजियो सो बिनस है, जो उपजिया उन्हें एक दिन बिनस भी जाना। फिर ये विचला जिहड़ा थोड़ा जिहा जीवन है उनू जंजालां च ना गुजार, उनू जिस मकसद लई मिलिया उस मकसद लई गुजार। जंजाल किन्ने कने, एक बहुत लम्मी चौड़ी भी आख्या है,
हर वो चीज़ जंजाल बन गई जिहड़ी रब्बी राह दे विच रुकावट बन गई। लोक लाज, विषय विकार, कर्म कांड, हर वो चीज़ जंजाल ही है जिहड़ी नूं कुराहे पाउंदी है। सतगुरु ने बड़ी प्यारी विचार बख्शिश की, कहन लगे जंजाल नूं छड़ दे मन, हकीकत विच जिंदगी गुजार लै। ये गल चेता रखियो, मैं जदों भी ये गल चलदी ते उदों ही तुहाडे नाल सांझ पाउणा। परिवारक जिम्मेवारियां नूं निभाउणा, दसां नौहां दी किरतकार करनी, ये जंजाल नहीं है, याद रखियो जी। ये लई तां गुरु दे सुनहरी उपदेश तुसीं बहुत वारी पढ़दे सुणदे विचारदे हो, किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना, ये तो सुनहरी असूल ने, ये जंजाल नहीं है। जंजाल की चीज़ है? जंजाल है दिन रात फटकते रहना, दूजे कोला है, मेरे कोला है, हुण आनंद नहीं ले रहा जीवन का, बस इसे कशमकश विच है। किसी का घर वड्डा, मेरा छोटा है, किसी का कारोबार वड्डा है, मेरा छोटा है, जो कुछ कोल है उहदा सुख नहीं मानदा, जो कुछ कोल नहीं उहदा दुख लाई बैठा है, यह है जंजाल। सतगुरु ने बड़े प्यारे बोल गुरबाणी विच बख्शिश कीते ने, जदों गुरु कोल आउने गुरु सानू जीवन जाच बख्शदा है, गुरु जीवन जाच बख्शदा है। पहली गल यह है, जदों गुरु कोल आए, विसर गई सबदात पराई, जब ते साध संगत मोहि पाई, छाडी जट्टी पराई दात। जिन्हों तू रब्बा जो कुछ बख्शे है उहदे लई आनंद है, मैं अपने आनंद विच जीना है, उहनूं जंजाल नहीं हुंदा। जदों गुरु कोल आए, गुरु ने समझाया, जिहड़ी वस्तु तैनू मालिक ने दित्ती उहदा शुक्र करना सिख, शुक्र करेगा तो नाल जुड़ जाएगा, तू एक दिन बहुत अमीर हो सकना, गुणा नाल बहुत अमीर हो सकना। जंजाल छड़ दे, बस करना की है, जिसकी वस्त जिस आग्या राखै, प्रभ की आग्या मानै माथै, उसते चौगन करै निहाल, नानक साहेब सदा दयाल। वो तो चौगन निहाल कर देंदा है, सदा ही दयाल है, माना तू जीवन का ढंग सीख लै, जिंदगी जीवन का ढंग सीख लै। हजूर ने बड़ी प्यारी बख्शिश की, फिरत फिरत भेटे जन साधु, पूरे गुर समझाया, आन सगल विद काम ना आवे, हर हर नाम त्याय, ताते मोहे तारी ओट गोपाल, शरण परियो पूरन परमेश्वर, बिन से सगल जंजाल। मैं जंजाल छड़ दिते, मालक दी शरण विच पै गया, उन्हें मैनु समझा दिता, नानक चिंता मत करो, चिंता तुसी ही है, जल मैं जन तो पाइन तिना पीरोजी दे, उथे हट ना चले ना को किरस करे, सौदा मूल ना कोबई ना कुछ ले ना दे, बिच उपाए सहरा तिना पीरोजी दे, नानक चिंता मत करो, चिंता तुसी ही है। जंजाल छड़ दिते, मैं हुण पाप कर्म नहीं करदा, जिहड़ी जिंदगी गुरु नाल जुड़ गई ना, उहदी निशानी की है, उन्हें जीवन का ढंग बदल लिया, उन्हें अपने जीवन में जीवन का ढंग बदल लिया। मैं जिम्मेवारियां निभाउणियां ने पर चिंता नहीं करनी, मालिक के प्यार में जीव के वेखना। एक बचन होर ध्यान न सुनो जी, साहब कहिंदे, जिस वखर को लैण तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हिरदे में तोल,
लाद खेप संत संग चाल अवर त्याग बिखिया जंजाल छड़ दे नानक हर गुण गाए ले छाट सकल जंजाल। लाद खेप संत संग चाल और रब्बी इबादत दे गुणा नू अपने जीवन में धारण करके तुर संगत न जुड़ के तुर अवर त्याग बिखिया जंजाल। तन तन कहे सब कोए मुख उजल हर दर के सोए। बणज करो बन जा रहे हो वखर लियो संभाल। तैसी वस्त वसाही है जैसी निभ है नाल। अगे शौ सुजान है लैसी वस्त संभाल। भाई रे राम कहो चित लाए नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर ले चलो शौ देखे पति आए। जिना रास ना सच है क्यों तेना सुख होए। खोटे बणज बणजे हैं मन तन खोटा होए। फाकी फाथे मिर्ग ज्यों दुख कणो नित रोए। बुरे कर्म ना कर जंजाल छड़ दिते। छोटी जी को उदाहरण दे दिया गल पकड़ विच आ जाए। दो दोस्त सी बड़े निके कम्मा कारा ने वखो वखरे कर दिता। हर वारी चिट्ठी हर वारी फोन ते कोई मनशा प्रगट करनी कदे कट्ठे होके बैठिए। समा आया कट्ठे होने दा। हुण दोस्त करे गया जिहदे घर गया ते उहने दो चार गल्लां कीतियां बुझे जे मन नाल ते बड़ा उदास जिहा। हैरानी इस गल दी होई भी वह बंदा कल्ला ही उदास है। उहदे बच्चे घर च इवें जिवें त्यौहार होवे इन्नी खुशी मना रहे ने। वधिया खाणा वधिया रहना घरवाली बहुत खुश। बंदा बड़ा परेशान होया। इन्ने चिरां दे विछड़े मिले हैं ते मेरी दोस्ती तां इहदे नाल है इहनूं खुश होना चाहीदा। इह मूंह टकाई बैठा है बाकी सारे घर च खुश ने। या तो कोई गल यही जी होई हो सारे दुखी होए हो। आखिर उन्हें एक रात कट्टी ते दूजे दिन पूछ लिया। कहन लगे भैन ये मेरा बड़ा निक्का दोस्त है बड़े चिरां दे विछड़े मिले सां पर इहदियां गल्लां तो प्रगट हुंदी निराशता। मैनूं दस की दुख है तुसी खुश हो सारे। वह कहन लगी की दसा दस दियां शर्म आउंदी है। कहिंदे नहीं दसो। कहिंदे गल यह भी इन्हां नूं बिजनेस विच 10 लाख दा प्रॉफिट होना सी किसी कारण करके 9 लाख का प्रॉफिट होया 1 लाख का नहीं होया। हुण जिहड़ा नहीं होया ना 1 लाख का ये उहदे लई तड़फी जांदा है। सारा परिवार ऐसी सोचते भी 9 लाख जे मिलिया ना प्रॉफिट होया 9 लाख का तो आनंद माणिए ना। पर ये कल्ला 1 लाख के पिछे पिया होया। सच करके जाणियो किसी एक की कहानी नहीं साड़ी रोज की जिंदगी की कहानी है। जो रब ने दिता वह शुक्र नहीं करता बंदा। जो कुछ कोल नहीं है बस वो जंजाल छिड़ी बैठा है। कबीर साहब का एक बचन है बड़ा प्यारा। वो कहिंदे बंदे इसे कम च निकल जानी है सारी उम्र बचा ले इन्हें ला ले किसे चंगे लेखे। कबीर आंखी केरे माट के अखां दे मिटदियां मिटदियां अखां दे चमकदियां
पता भी नहीं लगना। कबीर आंखी केरे माटके पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोटे ही जम दिया दमामा आए। कहिंदे मौत ने भी नगारे बजा देने तेरे को, जंजाल उदों भी नहीं छुटने किते मत सोची जाए। इहदे नालों चंगा है नानक हर गुण गाए ले, चंगा इंसान बन के जीव के वेख उहदा किड्डा आनंद है, किड्डा सुख है। दिन रात इसे भटकना विच है बंदा, इन्ने फुल खिड़दे ने पर इन्हें किसी फुल दे कोल खलो के उहदे हासे नूं नहीं माणिया। किन्ने मौसमे की जिंदगी चाहते ने, किन्ने चले जाते ने पर इन्हें किसी मौसम का आनंद नहीं माणिया, कल्पदा ही रहा सारी जिंदगी। एक बड़ा प्यारा बचन मैं होर तुहाडे नाल सांझा करना, माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरता है। जब किश पावे तब गर्व करत है, जदों प्राप्ति हो जाती उदों हंकारी हो जाता है। माया गई तब रोवन लगत है, जे कोलों चले जाए तो उदा रोंदा नहीं चलिया जाता। दोनों गलों च सुखी नहीं, कुछ मिल जाए तो हंकारी हो जाता है, कुछ चला जाए तो रोने धोने रोन लग पैंदा। हर मनुख की जिंदगी जिन्हों भी पुछ के देखो वो बड़े औखी साह ले रहे हैं, जबकि सच यह है भी ना कुछ इत्थे लेके आया तो ना कुछ लेके जाना है। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल, बचन बार बार चेते रखियो। हर जस रे मन गाए ले जो संगी है तेरो, अवसर बीत्यो जात है कहो मान ले मेरो। मना मेरी गल मान ले, एडी वड्डी दुनिया च आया, एडी सोहनी दुनिया च आया, चार दिन खुश होके जी ले। अपने नाल दियां नूं देख मना, अपने साथियां नूं देख मना, इन्ना कुछ करके भी रब ने तेनू किथे ना किथे पहुँचा दिता पर इहदी जुबान ते शुकर नहीं है। दिन रात उलामे जांदा, दिन रात जीवन दे विच कमियां कमजोरियां शिकायतां ही मालक नूं करदा है, शुकर नहीं करदा। जो पैदा होया उहने तां बिनस जाणा है, चार दिनां दी जिंदगी इहदा सुख मानदा है। मत सोची जिन्हें इत्थे स्वर्ग नहीं सिरजिया उन्हूं अगे कोई स्वर्ग मिल जाएगा, इत्थे एडी वड्डी दुनिया एडी वधिया दुनिया च नहीं तू स्वर्ग बना सकिया, इत्थे जीवन का आनंद ले। गुरु ये समझाउंदा है जिन्ने कर्मकांड असी करने हैं गुरु सब तो मुक्ति दवा देंदा है, इन्हां दी कोई लोड़ नहीं। कर्म धर्म पखंड जो दिशें तिन जम जा गाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै। कादे लई पाप करना, पाठ पढ़ियो अरवेद विचारियो निबल भयंगम साधे, पंच जना सिर संग ना छुटक्यो अधिक अंग बुद्ध बाधे, प्यारे इन विद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी कै द्वारे जीचे बुद्ध बबीका। गुरमते गल कदे भी नहीं कहिंदी भई तुसी किरत ना करो पैसा ना कमाओ, रज के कमाओ, पर जो कोल है उहदा सुख भी माण के देख लो। जो कर्ज है वो तो सुख भी मान के देख लो। एक बड़ा सियाना विद्वान होया है, हालांकि उन्हें अपना नाम नाल इहो जे शब्द लिखे ने, लाल सिंह कमला, अकाली सी
उन्हें किताब लिखी एक बड़ी कमाल दी, मौत राणी का घुट। उस एक जिक्र किया है, एक जदाद नां दा बंदा सी, बादशाह सी किसी देश दा, कि बादशाह नूं की कमी है। उन्हें एक बाग बनवाया, बाग बनाया बई तुसी जिन्ना मर्जी धन खर्च हो जाए स्वर्ग वर्गा बना दे। वो बाग बनाया, बनाउंदियां बूटे लाउंदियां फुल लाउंदियां, आखर उन्हां वड्डे होना सी ताईं उहदी शोभा बननी सी। वो बार बार जिहड़े उत्थे कम करन वाले ने उहनूं बार बार प्रेरणा देंदे ने वी तुसीं अठी दसी दिनी कदे गेड़ा मारिया करो, सानूं पता लगे की कमी कमजोरी है, असीं होर भी वधिया तरीके नाल बना सकीए। उहने कोई गल कहणी, कहणा नहीं अजे मेरे कोल वक्त नहीं, हजे मेरे को वक्त नहीं, हजे होर इन चंगी तरह बनाओ, तुसी जब पूरा हो गया तो मैं दस्यो। रब का सबब बनया, अज उन्हां मालियां ने उन्हां काम करन वालियां ने बड़ी खुशी की खबर सुनाई भी जदाद बादशाह सलामत, कल असी जो जोर ला के बना सकते सौ बगीचा बना दिता, स्वर्ग वर्ग है। हर तुरिया जाता राही, हर बंदा उन्हूं वेखता ते आनंद माणदा। तुसीं जाके देख सकते हो। कहण लगे ठीक है मैं कल जावांगा। रात नूं भाणा वरत गया, सारे लोग हैरान, माली हैरान, कम करन वाले हैरान। इन्ने लंबे समय की उड़ीक की, एक दिन भी आनंद ना माण सकिया। कितना चंगा हुंदा कमलिया, जदों बाग बन रहा थी कदे घूम के ही वेख लैंदा, सिर्फ ऐसे ही उड़ीक विच रहा भई जदों पूरा बन गया ते मैं उदों आनंद लवांगा। हर बंदे की जिंदगी की एक कहानी है, वह सोचता हजार जुड़ जाए फिर मैं आनंद लवांगा, हजार नूं जुड़ जाए लख जुड़ जाए फिर तो बहुत ही आनंद बन जाना, लख वाला सोचता दस लख जुड़ जाए फिर आनंद माणांगा। ये सोचदियां सोचदियां भाणा वरत जाता, इत्थे दे इत्थे रह जाता सारा कुछ, सुख एक दिन भी नहीं बनता, सिर्फ गिणन जोगा रह जाता है। सतगुरु ने किड्डी प्यारी बात समझाई है, नानक हर गुण गाए ले चाड़ सकल जंजाल। गुरमत जिहड़ी है ना ये जीवन सिखाउंदी है, गुरमत यह सिखाउंदी है भी जो कुछ कोल है उहदा सुख माण ते उहदा शुकर कर, उहदा धन्नवाद कर जो मालिक ने हुण बख्शिश कीता है। जो कोल नहीं है उहदा दुख ना जाण। जो कुछ पैदा होया है उहने एक दिन बिनस जाना है, समा है। भाई गुरदास जी का एक बोल कहण लगा है, तवज्जो दे के सुने। साडी समुची जिंदगी की तस्वीर दिखाई है भाई गुरदास जी ने, ये उन्हां दी खूबी है भी एक गल नूं समझाउण लगे हां, वह किन्नियां उदाहरणां दे दिंदे ने, तत दी गल नूं समझाउण लगे हां वह किन्नियां उदाहरणां दे दिंदे ने। पहली उदाहरण दित्ती है, कहिंदे इक गां सवेर तो शाम तक बाहर चूके आई, कदे उत्थे हरा जिहा घा वेखदी उधर चुगदी है, कदे उधर वेखदी है उधर चुगदी है, उहदे डंडे भी मारदे ने कई बारी किसे दे खेत विच वड़ जांदी है, ते पर सारियां मुसीबतां झल के सारी दिहाड़ी चुगे। वो इसलिए शाम को घर में वापस आई भी मैं हूँ अपने बच्चे नूं दुध पियावांगी, थोड़े जे दिन मेरे कोल है, मेरा बच्चा गां दा बच्चा थोड़े दिन ही कोल ही रहिंदा, ते मैं इहनूं रज के दुध पिलावांगी लाड लडावांगी। हुंदा की है जदों शाम को घर परतदी है तो गवाला उहदे बच्चे नूं छड्डदा है, ते जदों वो दुध हवाले करन लगदी है
ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੜਫਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਆਪ ਚੋ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਜਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਗਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿਆਣਾ ਦਾਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੈਸੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਚੂਸਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਛੱਟਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਛੱਤਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਚੂਹੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁੱਡ ਬਣਾਈ, ਬੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟੀ। ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੜਾਕ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਗਾਂ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਚੂਹੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜੀਵ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਦ ਮੱਖੀ ਸਿੰਚ ਸਿੰਚ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ, ਹਰੇ ਮਧੂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰ ਮੁੱਖ ਡਰ ਕੇ। ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋੜਦਾ, ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਆਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਨੇ ਜੈਸੇ ਬਛ ਖੇਤ ਬਛੜੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੈਸੇ ਬਛ ਖੇਤ ਗਊ ਸਿੰਚਤ ਹੈ ਖੀਰ, ਚਾਹੇ ਲੇਤ ਹੈ ਅਹੀਰ, ਦੋਹੇ ਬਛੜੇ ਬਟਾਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਉਸ ਗਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ? ਨਹੀਂ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ 25-25 ਸਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਵਿਤ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੈਸੇ ਮਦ ਮੱਖੀ ਸਿੰਚ ਸਿੰਚ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ, ਹਰੇ ਮਧੂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਾਰ ਮੁੱਖ ਡਾਰ ਕੇ, ਜੈਸੇ ਬਛ ਗੇਤ ਗਊ ਸਿੰਚਤ ਹੈ ਖੀਰ, ਤਾਹੇ ਲੇਤ ਹੈ ਅਹੀਰ, ਦੋਏ ਬਛੜੇ ਬਟਾਰ ਕੈ, ਜੈਸੇ ਧਰ ਖੋਦ ਕਰ ਬਿਲ ਸਾਜੇ ਮੂਸਾ, ਪੈਸਟ ਸਰਪ ਤਾਏ ਖਾਹੇ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਕੈ, ਤੈਸੇ ਕੋਟ ਪਾਪ ਕਰ ਮਾਇਆ ਜੋਰ ਜੋਰ ਮੂੜ, ਤੈਸੇ ਕੋਟ ਪਾਪ ਕਰ ਮਾਇਆ ਜੋਰ ਜੋਰ ਮੂੜ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਛਾੜ ਚੱਲੇ ਡੋਊ ਕਰ ਝਾੜ ਕੈ।
अंतकाल छड़ के तुर चले। जिंदगी मिली है इहदे च आनंद माण लै, मना सुख माण लै, जो कुछ रब ने तैनूं दिता है उहनूं वरत लै। जिस दिन पाणा वरतना है, धन अवरा धन भसमै ढेरी, धन दूजियां जोगा बच जाना है, शरीर जिहड़ा मिट्टी की ढेरी बन जाना, बस आ कहानी रह जानी। वक्त है इहनूं संभाल लै। गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पावन बचन नूं तुहाडे सन्मुख फिर रखण लगा। जो उपजियो, शब्द बड़ा प्यारा, जो उपजियो, एक कल्ली गल मना तेरे ते नहीं है। जो उपजियो, जो कुछ भी पैदा होया, वनस्पति ले लिए, पशु पंछी ले लिए, हुण ते साइंस बहुत कुछ खोज के दस रही है कि डायनासोर वर्गे किन्ने किन्नियां इत्थे नस्लां सी, किड्डे किड्डे जीव सन जिहड़े तुर गए, अज उहनां दा नामो निशान, हड्डियां भाल भाल के उहनां दीआं अंदाजे ला रहे भी इहो जिहा होएगा। तुसीं तां सारे पढ़े लिखे बैठे हो, मैं ते इन्ने पढ़िया भी नहीं। मैसोपोटामिया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, किन्नियां ऐसियां सभ्यतावां लभ रहीआं ने धरती दे थल्लिओं, भी किन्ने लोक वसे ते किन्ने उजड़ के चले गए। गुरबाणी भी दस रही, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एक अंकार, फिर भी मना तू आनंद नहीं माणदा। प्यारियो, सियाने कहिंदे ने किसे दे कफन नूं जेब नहीं हुंदी, इत्थे सुख माण लै जिन्ना हैगा। क्यों कलपी जाना, तेरी रोटी जोगे है ने ना पैसे, तेरे परिवारक जिम्मेवारियां जोगे है ने ना पैसे, पर जो कोल है उहदा सुख नहीं माणदा, बस तड़फ ही जा रहा दिन रात, दूजे कोल इन्ना, दूजे इन्ना तड़फ जांदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथी किसे भी नहीं बनना। शेख फरीद एक बचन है बड़ा प्यारा, मैं तो सोचिया सी शायद मैनू ही है, नहीं। रुत फिरी बन कंबिया, रुत बदली, जंगल सारा, फुल बूटे सब कुछ चले गए। अपने तो इतने बहुत बारी होंगे, हरेक साल आप वेखने कदे दरख्त हरे भरे लद्दे होंदे ने, कदे बिल्कुल खाली, एक पत्ता भी नज़र नहीं आता। रुत फिरी, रुत बदली, वन कंबिया, वन कुरला उठिया, जंगल कुरला उठिया, पत्त झड़े झड़ पाए, इन्ने प्यार नाल पाले हुए पत्ते, इन्ने प्यार नाल पाले हुए फुल मेरे कोल तुर चले ने। साहब कहिंदे क्यों डरना भलिया, रुत फिरी बन कंबे आ, पत्त झड़े चढ़ पाए, चारे कुंडा ढूंढिया, रहन के थाऊं नाए। कहिंदे चारे दिशावां च देखिया, कोई एक चीज पैदा होई होवे जिहड़ी उपजी होए ते बिनसे ना। मैं एक उदाहरण फिर देनी चाहुंदा, जदों भी कदे कोई ऐसा कारण बन वरतदा है, हुण करोना दा तां दुख आपां सारिआं ने हंडाया ही है, जो एक्सपैरीमेंट करते ने बार बार, जिहड़ा बहुता जिहड़ा सक्सैस रेट होवे, भई इहदा 80% आया, इहदा 90% आया, तो उहनूं असीं मन लैने भी इह बहुता सफल है। साहब कहिंदे मैं तेरे सामने 100% तैनूं दसदा भी की रिजल्ट है। जो उपजियो सो बिनस है, 100% है रिजल्ट कढ़िया होया, भई जो दुनिया च पैदा होया उहनूं इक दिन बिनस जाणा है। फिर क्यों जंजाल च फसे हैं, जो कोल है उहदा आनंद माण, खुशी मना। चार दिनां दी जिंदगी है। एक कवि दा बोल है बड़ा प्यारा, पुराने समय दे विच अज वांगू बैंक नहीं सी हुंदे, बंदा अपना पैसा धरती विच दब देंदा सी। नोट भी कोई 300 साल पुराने ने, पहले सिक्के ही हुंदे सी।
पहला नोट नहीं सी होंदे। सब तो पहला व्यापार बंदे ने पशुआं दा पशुआं नाल कीता। पशु नाल जिवें घोड़े नाल गां बदला ली। फिर कई बार की हुंदा सी वी मैनू उस पशु की लोड़ नहीं है। फिर पशु की बजाए बंदे ने अनाज नाल व्यापार किया। पांधी ननकाणवी इक बहुत माफ करे हो एक गगन पाकिस्तानी है उहदी किताब असल च उन्हें एक बड़ा प्यारा जिक्र किया भी पहली बारी जिहड़ी अनाज बेचिया बंदे ने वह बादाम सी। इहदा नाम बादाम, बादा मतलब समेत, दाम दा मतलब पैसा। जिहड़ी पहली बारी जिनस विकी, जिहड़ी पहली बारी फसल विकी वह बादाम सी। मेरे पक्ष नहीं, मैं उस पासे ना जा, मैं सिर्फ नेड़े करा। पहला पशुओं का पशुओं नाल, फिर बंदे ने अनाज बेच के गुजारा करना शुरू किया, व्यापार किया। फिर उस तो बाद करंसी आई, करंसी सिक्कियां च आई। सिक्कियां तो बाद ये नोटां दे विच बदली बहुत लंबा समा पा के। जब सिक्कियां च सी उदों मतलब धरती च दा बदलदा सी। किसी कवि दे बोल ने कहिंदे तेरे कोल करोड़ां कोहां तक, मतलब कई मीलों तक धरती नूं पुट के विच खजाना दबिया होवे। फिर दूजा शौक हुंदा सी बंदे दा भई मेरे तबेले विच बहुत वधिया किस्म दे मिर्ग होण, हिरन होण रखे हुए, मैं खुशी मनावां उहनां नूं। जिवें अज कीमती गड्डियां दा शौक है, इवें मेरे कोल हाथी होवण जिन्हां दी मैं सवारी करां। ते हाथी भी आम रस्सियां नाल ना बन्ने होण, सोने दे संगलां नाल बन्ने होण, इन्ना अमीर होवां। जदों बंदा बहुत अमीर हो जांदा है ते उहदा ध्यान जिहड़ा विशे विकारां वल बहुत भजदा है। कहिंदे फिर मेरे घर विच, मेरे अपने विहड़े विच इन्नियां इस्त्रियां मनमोहणियां होवण, मेरा जी ना करे किधरे बाहर भटकण लई, उहदे कोल हर सुख सहूलत होवे। उहदे चंगे हाथी होण, सोने दे संगलां नाल बन्ने होण, धरती च दबिया खजाना होवे, मिर्ग उहदे तबेलियां च खड़े होवण, उहदे उच्चे महल माड़ियां होवण, सब कुछ होवे। पर उह कवि ने कैसा कमालदार निर्णा कढ़िया, कहिंदे सज्जणा इन्ना कुछ हो के भी ना जे तेरे कोल रब दा धन्नवाद नहीं है ना, फिर लाणत नहीं इस जीवन ते। कोटन कोस से कोश भरे, कोश खजाने नूं कहिंदे, कोस कोनू कहिंदे ने। कोटन कोस से कोश भरे, सब रंग तुरंग के संग तुरंगे, कंचन पैर जंजीर बंदे दर चुल्ले अटारी संग मतंगे। अंगना अंग अंगन में आंगन, एक अंगना का अर्थ है इस्त्री, एक अंगना का अर्थ है बेड़ा। अंगना अंग अंगन में आंगन, जिन्हें देख मन चौ उमंगे, एथे भय बाद इत्थे आके भी दुनिया च बेकार तुर चले। इत्थे पए बाद जो गुरु गोबिंद सिंह के रंग ना रंगे, जे तेनू गुरु का प्यार नहीं जागिया, इन्ना कुछ होके लाणता ने तेरे जीवन के उत्ते। जे इन्ना कुछ देण वाले का तेरी जबान ते कदे शुकराना भी नहीं आता। बंदा कल पी रहा है, बंदा सुख नहीं मान रहा। सुख किस दिन मानेगा? जिस दिन ये गुरु को आएगा। गुरु की दिंदा है, गुरु इन्हू जीवन का ढंग सिखाउंदा है। और बदकिस्मती है, मैं बेनती करा, बंदा गड्डी लेंदा है तो किसी चंगी कारीगर को जाता है, मैं उहदे कोल ठीक करवावां। बंदे नू कोई निक्का जिहा दर्द होवे, चंगे डॉक्टर को जाता है, मैं उहदे कोल दिखावां। बंदे ने कपड़ा लिया होवे, चंगे दर्जी तों सिलवाउंदा है, चंगी कंपनी का कपड़ा खरीदा है। पर बंदे की जिंदगी का सवाल हो कदे नहीं गुरु को आता भी मैं जिंदगी जीवन का ढंग सीख लवें। ते गुरु की करता है? गुरु जंजालों विचों कढ के सानू चंगे जीवन जाच सिखाउंदा है। बस गल तो इन्नी सी ना, छड़ दे मन कर्म कांडा नू, सीधी साधी जिंदगी जियो। छड़ दे मन लोक लाज नू, सीधी साधी जिंदगी जियो। छड़ दे मना मेरे कोल की उंगलों की गिनी जाना रोज़, जो कोल है उहदा आनंद माण ले, उहदा सुख माण ले। जो उपजियो सो बिनस है, परो
पर उहदा अर्थ है नाश हो जाना। आज कह काल, अज कह दा मतलब हुंदा जां, अज जां कल। सारा संसार लैन च ही लगे होया, जे मैं जिउंदा है ये मेरी सियाणप नहीं है, मैं जिउंदा तां मेरी अजबारी नहीं आई। पर वो आज के काल, फिर करना की चाहिए। एक आसा की वार की पंक्ति कहन लगे, उन बड़ी तवज्जो दे के समझो जी। जो आया सो चल सी, सब कोई आई बारी है। फिर मैं की करा, उदास होके बैठ जा भी जब मैं आया तो चली जाना। कहिंदे नहीं नहीं, ऐसा कम ना करी। करना की चाहिए, जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनोविसारी है। करना की है, जी ने जिंद जान दिती है, जगत का मेला देखने दिता है, उदा धन्नवाद कर। ये मैं हर बारी कहना, अज भी हाथ जोड़ के बेनती कर लगा तुहानू सारिआं नूं, सियाणे बैठे हो, सवेरे उठते हो ना जागते हो, जिवें भी बिस्तर च पए हो, जिन्ने बजे भी उठते हो, उदों पहले सुवास नाल, पहले साह नाल रब नूं कहा करो भी रब सच पातशाह तेरा धन्नवाद, मैनूं अज दा दिन होर मिलिआ दुनिया दे मेले नूं वेखण दा। रात ही कहानी खत्म हो जाती तो खत्म ही हो जानी सी, इहदा किहड़ा कोई मैं मुल सारिआ। मैं बार बार तुहानूं इक बेनती करना है, मैं भी विच इनकलूड ही है, आपां सारे जिन्नी जिंदगी है ना उहनूं सुख माणीए, उहदा आनंद माणीए। अमीर कोई चार चमचिआं नाल रोटी नहीं खांदा, उन्नी की खांदा है। वह कोई अठ बिस्तरिआं ते नहीं सौंदा, वह भी एक तेज सौंदा है। वह कोई नौ बैडरूम च अपनी सांझ नहीं रखता, वह भी एक बैडरूम च ही सौंदा है। तो फिर मना तू कल्पता केड़ी गलों है, जो कोल है उहदा सुख माण के देख, आनंद माण के देख, वह तेरे तो वाधू है। सतगुरु कृपा करते ने, जो उपजो सो बिनस है, पर वो आज के काल नानक हर गुण गाए ले। हर गुण गाए ले का अर्थ है भी रब का धन्यवाद कर, जो कुछ उन्हें दिता उसका धन्यवाद कर। छाड़ सगल जंजाल, जंजाल छड़ दे, जंजाल छड़ दे। तू काहे डोले प्राणियां, तुद रखे कर सृजनहार, जिन पदाइश तू किया सोई दे आधार। आओ प्यार वाले, कोशिश करिए गुरु की दिती हुई दात का धन्नवाद करके जीना सीख लीए, शुक्र करके जीना सीख लीए। एडी सोहनी दुनिया च आके भी असी कल्प रहे हैं, तो फिर सुख कितने पावे। इत्थे रह के सुख माणीए, अपने बच्चों नाल प्यार करिए, अपने धियां पुत्तां नाल प्यार करिए, अपने घरां च आनंद माणीए, अपने घरां च सुख शांति नाल जीवीए, गुरु दे दसे रस्ते अनुसार जीवीए। फिर साडा जीवन ये लोक सुखीए पर लोक सोहेले, नानक हर प्रभा पे मेले। भुल्लां नूं माफ करदे होए अदब नाल आखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।